नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ सूरत में डॉक्टर प्रियांकी पटेल हमारे साथ है। प्रियांकी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। प्रियांकी ने अभी अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हुई है, अभी अभी 2020-2021 की। तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। और प्रियांकी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगी, तो वो ऑनरेबल डॉक्टरेट हुई है 2019 दिसंबर में, और डांस नेशनल एंड इंटरनेशनल डांसिंग क्षेत्र में वो कोरियोग्राफर है और डायरेक्टर भी है प्रियांकी पटेल डांस एकेडमी की। मतलब वो खुद ऑनर भी है और डांसिंग क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। अभी अभी लिम्का बुक रिकॉर्ड किया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी वो 2019 में हुई है। उसके बाद हाई रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी वो 2019 में हुई है। तो इतनी सारी अचीवमेंट की है ऐसी पर्सनालिटी, आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ सूरत प्रियांकी पटेल जो हमारे साथ आज है। और आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उन्होंने कैसे अचीव किया है इतना सब कुछ। तो आज प्रियांकी आप बताएंगी हमें कि कैसे कैसे आपने सब कुछ, जो इतने सारे रिकॉर्ड भी किए हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं आपको, और जो डांसिंग की हम बात करें, डांस की बात करते हैं, हमारे सूरत में बहुत टैलेंट है, बहुत ऐसे डांसर्स है जो शायद रियलिटी शो तक नहीं पहुंच पाते हैं, बट उनको अच्छे डांसर्स, मतलब जो सिखाने वाले होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसी पर्सनालिटी अगर सूरत में है तो क्यों आप उनके पास नहीं जाएंगे? ज़रूर जाएंगे, लेकिन आप उनके बारे में जानेंगे तो जाएंगे ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे उनको बुलाया है और हम बात करेंगे। पहले तो प्रियांकी, आपने कब से डांस सीखना शुरू किया और आपका ये शौक था कि किसी की प्रेरणा से आपने डांस सीखा है या डांस करना शुरू किया है? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलूँगी मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने डांस की शुरुआत की, वो मैंने स्टार्ट किया ईयर 1998 में, जब मैं आई वॉज़ अ किड एट दैट टाइम, मैं छोटी थी तब, और तब से मेरा डांस एज अ पैशन रहा है। और इसी के साथ मैंने शुरुआत की अपने डांस करियर की। पर कहते हैं ना, एक पैशन की तरह जो चीज़ मैंने आगे शुरुआत की, वो आगे जाके फ्यूचर में एक प्रोफेशन टर्न हो गई और वो खुद ही एक सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ता चला गया। ये आपने बताया कि डांस की शुरुआत आपने कैसे की, और एजुकेशन की हम बात करें तो आपने एजुकेशन कितना किया है, कब, मतलब कैसे लिया है एजुकेशन आपने? जी, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना एमएससी बीएड किया है। स्पेशलाइजेशन मेरा ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स में है, और साथ ही साथ मैं VNSGU बायोसेंसेस डिपार्टमेंट में टॉप 3 रैंक कर रही हूँ, और फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, और बीएड भी मैंने फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ कंप्लीट किया है। मतलब ये कुछ अलग था कि डांस का फील्ड अलग है, आपका एजुकेशन का फील्ड भी अलग है, तो वो बात हम बाद में करेंगे कि क्यों आपने ऐसा चॉइस किया है। लेकिन उससे पहले अभी डांस की जब बात चल रही है, तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपने ट्रेनिंग कहाँ ली और कितने साल तक आपने ट्रेनिंग ली है, तभी आप इस लेवल तक आज पहुँची है, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की ईयर 1998 में, जब यहाँ पे एक वर्कशॉप लेने के लिए, जो मेरे सबसे बेसिक मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तब यहाँ पे वर्कशॉप हुआ था। और वो वर्कशॉप लेने के लिए पहली बार एक डांस रियलिटी शो आता था, बूगी उगी, जो बहुत ओल्ड था। सो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फेमस शो था। बस उन्हीं के कोरियोग्राफर थे जिनके पास मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग ली, और वो कुछ महीने तक ट्रेनिंग करके फिर वो कैंप करके वो चले गए।
और इसी के साथ मैंने 1998 के बाद ही, उसी दौरान ही, वही ईयर में मैंने फिर उसके बाद क्लासिकल भरतनाट्यम स्टार्ट किया, वो ज्वाइन किया मैंने, वो जो मेरे गुरु हैं बिनास तोड़ी वाला, उनके अंडर मैंने किया, और 2003 तक मैंने उनके अंडर में अपना 7 ईयर्स कंप्लीट करके विशारद कंप्लीट किया। और इसी के साथ मेरी स्टडीज़ चालू थी, तो मैं साइंस मेरा आ गया, तो मेरी स्टडीज़ पे फोकस ज़्यादा हो गया। बट ड्यूरिंग माई मास्टर्स, जैसे ग्रेजुएशन फिनिश हुआ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब मेरी ट्रेनिंग इतनी काफ़ी नहीं है, मुझे और अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। और एजुकेशन कंप्लीट होते होते मास्टर्स के टाइम दौरान मैंने थोड़े से समर कैंप्स किए, जो मैंने मुंबई में ट्रेनिंग ली, बट वो थोड़ा सा साइंस स्टूडेंट होते हैं तो आपके लिए बहुत लिमिटेशन हो जाता है। सो आफ्टर माय एजुकेशन मैंने यहाँ से मुंबई ट्रैवल किया ऑन अ डेली बेस, और मैं यहाँ से डेली जाती थी, और मैंने एक कैंप किया जिसको बोलते हैं DPLC, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग है, और स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए ये ट्रेनिंग की जाती है। सो मैंने टेरेंस ल्यूस सर के अंडर ये पूरा ट्रेनिंग लिया, और शायद मैं आज जो कुछ भी बन पाई हूँ उसका काफ़ी हद तक क्रेडिट वहाँ जाता है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ डांस नहीं, एक कंप्लीट इंसान निकलता है जो सीख के काफ़ी कुछ आता है। सो बहुत बड़ा हाथ है वहाँ से मेरा सीखने में, और डेली ट्रैवल यहाँ से सूरत से मुंबई और मुंबई से सूरत ऑन अ डेली बेस करना पड़ा था, मुझे कुछ इश्यूज थे उस वजह से, बट एट लास्ट वो बहुत अच्छा रहा, फ्रूटफुल रहा। जो स्ट्रगल की हम जब बात करते हैं, तो हर इंसान अगर कोई भी कुछ अचीव करता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है, और स्ट्रगल, जो इंसान स्ट्रगल करता है वो कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेता है। तो जैसे प्रियांकी ने बात की, मैंने मुझे प्रियांकी जब मिलने आई थी, मैं तभी की बात कर रही हूँ, कि उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल करती थी, मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने मेरी ट्रेनिंग ली है। और दूसरी चीज़ था कि उसके परिवार में देखा जाए तो उसका एक ब्रदर है, वो भी स्पेशल चाइल्ड है, तो उसका उसको उसी का भी ख्याल रखना है, और उसकी डैडी भी नहीं है, मतलब उसके पापा भी नहीं है, और मम्मी सब है जो उसकी केयर करते हो, उसको मतलब जो सिखाना था वो सिखाया, काफ़ी कुछ उसने, उसकी मॉम ने भी उसको सपोर्ट किया है। तो मतलब एक परिवार की जब जवाबदारी अपने ऊपर आती है, चाहे वो इंसान, चाहे वुमन हो चाहे वो जेंट्स हो, या मतलब कि मेल फीमेल का जो हम कर कहते हैं कि मेल ही सब कुछ कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज ये एक एक सबको, आपसे शायद प्रेरणा भी मिल सकती है कि छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल तो कर लिया है, लेकिन हासिल करने के बाद उसको मेंटेन रखना, और अपने परिवार की जो जवाबदारी है उसको भी आप, उसी उसी को भी आप संभाल रही है। तो ये सब एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अचीव करने के बाद भी आप परिवार को संभाल रही है। और दूसरी चीज कि इस एज में, ये शादी की उम्र है, मैंने जब तक सुना है तब तक तो सब लोग ऐसा चाहते कि भाई शादी की उम्र होती है और फोकस मीन्स डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन, फिर अपना करियर, फिर परिवार की जवाबदारी होती है, तब ये सब। तो प्रियांकी ने जब मुझे बताया कि शायद मेरा शादी का विचार अभी तक नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा पहला जो ऑप्शन है, पहला जो मेरा मुझे फोकस करना है, तो मेरे भाई पे फोकस करना है, और उसके भाई को वो इस तरह से ट्रेन कर रही है जो स्पेशल चाइल्ड है, बस उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो भी हम आपसे जानेंगे, कि इस तरह की भी आप, अगर डांस से भी आप अपना, अगर कोई घर में स्पेशल चाइल्ड है तो उसको भी आप ठीक कर सकती है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट मेडिसिन भी आप उसको ठीक कर सकती है, तो इसका फोकस ये भी है। तो उसको भी कैसे किया वो भी हम जानेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं, वापस हम चलते हैं आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। तो प्रियंकी, आपका जो लाइफ का चेंजिंग मोड था वो कब आया? आफ्टर माई स्टडीज, जैसे मैंने MSc कंप्लीट किया अपना मास्टर्स, उसके बाद मैंने BEd किया। जैसे ही BEd मेरा कंप्लीट हुआ इन 2012-13, इसके बाद मुझे ऐसा था कि मैं डांस फील्ड में वापस आऊं, मुझे आगे PhD नहीं करना था, जो होता है साइंस में, मुझे आगे नहीं करना था, मुझे था कि मैं अपनी डांस में वापस आऊं और उसके अंदर कुछ अचीव करूं।
बट कैसा टाइम था कि आप थोड़ा सा भी अपनी डांस फील्ड में से थोड़ा सा भी अगर बाहर आ जाते हो या स्टॉप करते हो तो वो इंटरवल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर। और काफ़ी हद तक ऐसा हो जाता है कि आप उसमें कमबैक कर सकते हैं कि नहीं। और हर चीज़ के लिए, हर इंसान की लाइफ में दो टाइप की चीज़ें होती है, एक पॉजिटिविटी होती है और एक नेगेटिविटी आती है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आ रही थी कि भाई आप ये अभी कम बैक करोगे, अभी तक मतलब काफ़ी टाइम इंटरवल आ गया है, या बीच में आपने इतने साल, 2 4 साल 5 साल आपने छोड़ दिया है और ये सब। बट इस टाइम पे मेरे जो मदर है स्मिता पटेल, वो मेरे लिए एक्चुअली रियल सोर्स, जो प्रेरणा बोलते हैं, उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया कि बेटा तुम कर सकती हो, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपने आप पे बिलीव है, अगर यू ट्रस्ट योर सेल्फ और आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। तब मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं डांस ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी, और तभी मैंने मुंबई ट्रैवल करके, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो सीखा था वो इतना लिमिटेड था कि आपको अगर ज़्यादा करना है तो यू हैव टू बी अ वर्सेटाइल डांसर जिसको सारे फॉर्म्स आते हैं, और वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल के परफॉर्मर बनना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए मैंने ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे अप्लाई किया, ट्रेन किया अपने आप को अंडर दैट। और जब ट्रेनिंग फिनिश हुई उसके बाद आगे मोड़ आता रहा, और अचानक से एक रियलिटी शो से ऑडिशंस के कॉल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जाते हैं ऑडिशंस के लिए, अपनी आपकी ट्रेनिंग है तो अब हम ट्राई करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया है तो आप डांस रियलिटी शो में सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डांस रियलिटी शो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे 100 200, नहीं, एक सिंपल कंपटीशन होती है तो भी 100 200 500 लोग आते हैं। तो जब एक नेशनल लेवल पे डांस कंपटीशन रियलिटी शो होता है तो वहाँ हर एक सेंटर से इतने सारे लोग आते हैं कि एक एक, चाहे वो वडोदरा हो, अहमदाबाद हो, चंडीगढ़ हो, मनाली हो, हर जगह से, गोवा हो, हर जगह से 2 3 हज़ार 2 3 हज़ार, और उसमें से एक डांस रियलिटी में होता है टॉप 18। सही बात है, सो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग जो मोड़ रहा है वो एक डांस रियलिटी शो के टाइम पे ही रहा है। और लकीली ट्रेनिंग के बाद आई गॉट सिलेक्टेड, जिसमें मैं सिलेक्ट हुई और मैं ऑन एयर जो शो था उसमें टॉप 18 में मैं आ गई। उसके बाद टॉप 18 15 होता गया, 12 आता गया, उसी दौरान एक और लाइफ चेंजिंग मोड़ आ गया। वो लाइफ चेंजिंग मोड ऐसा था कि अभी तक तो डांस और स्टडीज़ मैंने बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लिया था, बट उसी दौरान मुझे एक, हालांकि मैं बायोलॉजी, मैंने, मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो मुझे उसी विषय में 11th 12th में बायोलॉजी टीचर के लिए कॉल लेटर आ गया, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। सो एक होता है ना कि आफ्टर स्टडीज आपको एक अच्छी ऑफर होती है, तो सबका एक लाइफ का मोटिव होता है कि इतनी अच्छी लाइफ, बेटर है इसको सिलेक्ट करना। तो उस टाइम पे अब तक जो बैलेंस की हुई चीज़ थी वो टाइम पे एक डिसाइड करना था, या तो आप स्टडीज़ मोड में जाओ और वहाँ पे बी ए टीचर, या तो आप इस फील्ड को, ज़्यादा डांस फील्ड को एक्सप्लोर करो। और तब शो वॉज ऑन द एयर एंड तब एक डिसीजन लेना था कि आप यहाँ पे जा रहे हो या वहाँ पे, और उसी टाइम पे मदर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मैंने डांस को सेलेक्ट किया। क्या बात है, मतलब पूरा और चेंज आपका, मतलब एजुकेशन का जो फील्ड है वो अलग है और डांस का जो फील्ड है जी वो अलग है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और टचवुड, जो मेरा डिसीजन था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा राइट करेक्ट हुआ, और मेरी टीम में से टॉप 3 एंड ऑल ओवर इंडिया में से टॉप 6 में मैंने वहाँ पे एज अ विनर रही मैं, और रियलिटी शो मैंने किया, जो लाइफ का एक सपना होता है, हर एक डांसर का एक सपना होता है कि एक रियलिटी शो लाइफ में करे, विच इज़ अ वेरी बिग एक्सपीरियंस। आपको एक बहुत अच्छा डांसर, परफॉर्मर, और बहुत तुम्हें एक्सपीरियंस देता है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी, है तो बहुत अच्छा रहा जी। मतलब कहने की बात ये है कि विनर बनना कोई ज़रूरी बात नहीं है, बट आप रियलिटी शो तक जब पहुंचते हो और वहाँ का जो आपको अनुभव रहता है वो आपको बहुत, मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत ही वो काम लगता है। और ये सही भी बात है, कई लोगों को एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि रियलिटी शो में हम जाते हैं, विनर नहीं हुए, ऐसा वो अफसोस करते हैं, लेकिन अफसोस करना नहीं चाहिए। जैसे प्रियांकी तो जीत के आई थी इसलिए उसको अफसोस नहीं हुआ है, लेकिन जो जाके आते हैं, मैं भी काफ़ी सारे शोज करती हूँ तो मुझे पता है कि लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें हार जीत नहीं होती है, आपको एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ी आपकी
बोला जाता है ना कि आपके पास पैसा नहीं है तो चलेगा, बट एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी तो प्रियांक, आगे बढ़ते हैं, और आपने आप काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल डांस वर्कशॉप भी करते हैं, और साथ में परफॉर्मेंस भी काफ़ी आपने किया है, तो कहाँ कहाँ किया है, और किस फॉर्म का, मतलब किस स्टाइल का वर्कशॉप आपने किया है और करवाते हैं आप? सबसे पहले मैं आऊँगी एक परफॉर्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। परफॉर्मेंस में मैंने नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी जगह पे परफॉर्म किया था। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो ईयर 2000 में एज अ पार्टिसिपेंट मैंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इन इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जो था साउथ कोरिया। फिर उसके बाद 2003 में मैंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इन बेल्जियम यूरोप में। उसके बाद 2004 में मैंने रिप्रेजेंट किया था इन यूएसए, एंड 2006 में मैंने कनाडा रिप्रेजेंट किया था, इंडिया को कनाडा में रिप्रेजेंट किया था। फिर डायरेक्टली एक एजुकेशन का मोड आया और मैंने इसके बाद एज अ कोरियोग्राफर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, और 2018 में मैंने रिसेंटली पोर्चुगल में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में। और फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स मैं टीम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करती हूँ। जो मेरा बेसिक है, जहाँ से मैंने क्लासिकल किया था, वहीं से जो मेरे मैडम हैं बेनाज मैम, उन्होंने भी मुझे मेरा वर्क उन्होंने देखा है, तो उन्होंने भी मुझे एक कहा कि आपका इतना अच्छा वर्क है तो आप हमारी टीम के लिए कोरियोग्राफ कीजिए, एंड मुझे कॉल आया। सो मैंने एज अ कोरियोग्राफर भी रिप्रेजेंट किया है, और टीम जो स्विट्जरलैंड में रिप्रेजेंट करती थी इंडिया को उनके लिए किया है, यूनाइटेड स्टेट्स में किया है, ताइवान के लिए गए हैं उनके लिए किया है, पोर्चुगल गए हैं उनके लिए। साथ ही साथ ऑन अ नेशनल बेस मेरे वर्कशॉप होते रहते हैं और मेरे पर्सनल वर्कशॉप्स भी होते हैं। सो नेशनल लेवल पे मैं काफ़ी सिटीज़ में, चाहे अहमदाबाद हो, सूरत हो, वडोदरा हो, राजस्थान में मेरे 2-3 दफ़ा वर्कशॉप्स हुए हैं, महाराष्ट्र हो, तो वहाँ पे मेरे क्लासिकल भरतनाट्यम है, बॉलीवुड है, जैज़ फंक है, गरबा है, फोक्स है, ये सारे वर्कशॉप्स हुए हैं। और इन लास्ट ईयर 2019 में मैंने 2 इंटरनेशनल वर्कशॉप किए मेरे खुद के एकेडमी के, प्रियांकी पटेल के। एक था जो नेपाल में था, जो फर्स्ट टाइम हो रहा था, एंड दूसरा था स्पेन बार्सिलोना में, मैड्रिड एंड बार्सिलोना। कौन सी स्टाइल आपने वहां जाके जी सीखा? मैंने किया था इंडियन बॉलीवुड एंड इंडियन क्लासिकल। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पूरी स्ट्रगल की लाइफ में जो आगे बढ़ी है प्रियांकी, तो उसमें उसने काफी नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप भी किए हैं। पर प्रियांकी, जब छोटी एज में आपने इतना सारा ट्रैवल कर लिया है, तो उसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ कि, मतलब कुछ ऐसा हादसा हुआ है आपके साथ कि कुछ आपने सोचा हो कि भाई अभी इतना सारा मुझे करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगी? बेसिकली जब आप चीज़ों को रॉन्गली एक्सपेक्टेशन में डाल देते हो ना, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मुझे एक चीज़ मेरी बहुत माइंड में क्लियर थी कि मुझे वर्क करना है और वर्क राइट डायरेक्शन में करना है। जो भी एफर्ट्स है मेरे पेरेंट्स के, जो भी एफर्ट्स है मेरे मदर के, मेरे ब्रदर का एक इंस्पिरेशन है, तो वो मुझे पता था कि बहुत हिम्मत रहना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को प्रेशराइज करूँ। मैं अपना काम करती गई, बोलते हैं ना काम करो फल की इच्छा मत करो, वो खुद ही होता जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ। आई नेवर एक्सपेक्टेड, मुझे लगा कि मैं एक डांसर हूँ, कल उनके क्लासेस ओपन कर लूँगी और थोड़ा स्कूल में पढ़ा लूँगी, बीएड किया है तो स्कूल सुबह और शाम को हो जाएगा डांस क्लास। तो एक एक्सपीरियंस वैसा ही था कि हाँ फ्यूचर कुछ ऐसा होगा, बट हमेशा जो फ्यूचर सोचते हैं वैसा होता नहीं है। और मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ रहा, तब वो प्रोफेशन आउट ऑफ द बॉक्स एक लेवल पे आ गया कि धीरे धीरे वो स्टेप होता ही गया। मैं सिर्फ अपना वर्क करती गई, एक मोटिव के साथ करती रही, एक फोकस के साथ करती रही, और अपने पूरे हार्ड वर्क पर एफर्ट्स डाली। हमेशा मुझे
सब कुछ किया है कि हमारा जो एपिसोड है इतना लंबा चलेगा ऐसा लगता है मुझे। तो प्रियांकी, अभी बात करते हैं कि आपने काफी जो रिकॉर्ड अभी किए हैं तो उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। 2019 में मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, हाई रेंज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और 1920 में मुझे जो मिला, कोरोना का सीज़न, मतलब कोरोना जैसे ही स्टार्ट हो गया तो काफ़ी चीज़ें पोस्टपोन हो गई थी। तो 2020 और 21 में हमारा लिम्का रिकॉर्ड ये सेटअप हुआ और होल्डर मैं बनी। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है कि लिम्का बुक में मैंने अपना रिकॉर्ड खुद क्रिएट किया है। जब आप रिकॉर्ड बनाते हो तो इधर यू क्रिएट अ रिकॉर्ड और यू ब्रेक अ रिकॉर्ड। तो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू से दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस रिकॉर्ड। और जिसके अंदर मैंने एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर एक वर्कशॉप अरेंज करके ये मैंने अचीव किया। और साथ ही साथ अवार्ड्स काफ़ी मिले इस दौरान मुझे, जिसमें अपार शक्ति है, अपार शक्ति सम्मान है, अपराजिता है, और साथ ही साथ वंडर वुमन अवार्ड है, और एक मुझे टैगलाइन दी गई थी, गर्ल विथ अ गोल्डन फीट। सो ऐसे ही कुछ अवार्ड्स के साथ रिकग्निशन मिला। डेफिनेटली आप वर्क करते हो तो काफ़ी लोग हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं हमारा वर्क। और साथ ही साथ आई एम वेरी प्राउड टू से कि इस साल मुझे वुमेन्स डे पे SMC सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू महिला दिन की उजवनी पे मुझे सर्टिफिकेट मिला वुमेन्स डे का। सो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप खूब काफ़ी आगे बढ़े और हमारे सूरत, हमारे गुजरात का नाम पूरे वर्ल्ड में, नहीं पूरे देश, वर्ल्ड में और शहर का नाम रोशन करें। और अपने परिवार का नाम तो आप रोशन कर ही रही है। अभी अभी आपने जिस तरह से अचीवमेंट किया है काफ़ी अच्छा था। और अभी बात करते हैं प्रियांकी की सोशल वर्क की। तो प्रियांकी सोशल वर्क भी काफ़ी करती है, और वो भी उसने स्टार्टिंग जब किया था, वो जब मुझे पता चला कि उसने उसकी पॉकेट मनी से सोशल वर्क करना शुरू किया था। मतलब पहले से ही, जब छोटी उम्र में ऐसा अगर हम सोचते हैं जैसे कि कुछ हमें अच्छा करना है, तो आजकल ऐसे लोग नहीं होते हैं। पहले अपने बारे में सोचते हैं, बाद में दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रियांकी ने पहले अपनी पॉकेट मनी से पहले लोगों की लिए कुछ करना, ऐसा कुछ किया है। तो हम उन्हीं से ही सुनते हैं। जी। बचपन से मेरी मॉम जो है, मेरी जो माता है, वो एक बात बोलती थी कि ऑलवेज हेल्प दोज हु आर अनफॉर्चुनेट।
जो हमसे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, जिनको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। और तब मेरी सबसे पहले नज़र जो इनोसेंट स्ट्रे एनिमल्स है उस पे सबसे पहले जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई केयर डिज़र्व करता है तो ये लोग हैं, क्योंकि इनके लिए कोई करने के लिए होता नहीं है। तो बहुत एज अ चाइल्ड आई वॉज एन एनिमल लवर, और तभी के साथ मुझे ऐसा हुआ कि कोई भूखा जा रहा है, बेचारे इनको कैसे खाना खाते होंगे ना, इनको खाना नहीं मिलता है, डस्टबिन में अगर खाना नहीं मिला तो, अगर किसी ने पानी भर के नहीं रखा तो पानी कहाँ से पियेंगे। तो एज अ चाइल्ड मैं बहुत वरिड होती थी, बहुत क्यूरियस थी कि मम्मी आज तो हमने, आप अर्न करते हो तो हमें पता है कि आप कल खाना बनाओगे, बट मैंने बोला इनके लिए तो कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं है, बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड। तो मेरे माइंड में इतने क्वेश्चंस आते थे कि वो सुबह का खाना कैसे मैनेज करते होंगे, शाम क्या खाएंगे, उनको वरी नहीं होता होगा। तो एज अ चाइल्ड मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चंस होते थे। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने देखा वो डस्टबिन में बहुत गंदा था और वहां से वो लोग खा रहे हैं, तो तब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं मम्मी एक काम करो, मैं जो पॉकेट मनी आप मुझे देते हो ना, मैं वो पॉकेट मनी से इनके लिए खाना लाऊंगी, चाहे बिस्किट्स है या दूध है या रोटी घर से है, तो मैं वो लाऊंगी। बस वो तब से वो खाना खिलाने का जो सिलसिला रहा है वो आज फ्रॉम पॉकेट मनी टू सैलरी टू एन इनकम वो आज भी चालू है। और हमेशा मैं बोलती हूँ, कहती हूँ कि लाइफ में हमको इतना सारी चीज़ें जब मिलती है तो हमको कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, और ये चीज़ें कोई भी सोर्स में, आप जो आपका मन करे कुछ अच्छा किसी के लिए करना चाहिए। तो मेरे लिए यही था कि मैं एक इनोसेंट स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ करूँ। साथ ही साथ मेरे घर पे बहुत सालों से गणपति बापा का जो उत्सव रहता है वो हमेशा रहता है, 10 सालों से हमारे घर पे होता है, और जब भी बापा घर पे आते हैं हमारे घर पे पूरा माहौल चेंज हो जाता है। बट साथ ही साथ हम जब जानते हैं कि इतना पोल्यूशंस है, इतना सब कुछ है, तो लास्ट 3 इयर्स से मैं घर पे खुद ही बापा की मूर्ति बनाती हूँ अपने हाथों से, टोटली इको फ्रेंडली कलर्स जो आते हैं उसी के साथ, और पूरी मिट्टी की खुद ही बनाती हूँ, और मैसेज भी देती हूँ सोसाइटी में कि POP या कुछ ऐसा नहीं यूज़ करे जिसकी वजह से पोल्यूट हो, सैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। और साथ ही साथ तीसरा काम है जो स्पेशली डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है उनके लिए वर्कशॉप करना, जो ब्लाइंड है, डेफ एंड म्यूट है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, स्पेशल चाइल्ड है, इन सब के लिए बस यही रहता है। बस ऐसे ही आप सबके लिए काम करते रहे, सबकी दुआ आपको मिलती रहे। लेकिन अभी आगे चलते हैं, तो मैं आपको ऐसा पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई एक मौका दिया जाए, ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपका पास्ट बदलना चाहेंगी, तो उसके बारे में बताइए। हम लाइफ में बहुत कंप्लेन्स करते हैं, काश हमारी लाइफ में ये होता तो मैं आज ये होती, काश वो होता तो ये होती, सभी सोचते हैं, ये बहुत कॉमन है। पर मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं चेंज करना चाहूँगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मेरे बैड एक्सपीरियंस है, जो गुड एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें हैं, जो हादसे हैं, जो अच्छी चीज़ें हुई है, ये सारी चीज़ मुझे एज अ कंप्लीट पर्सन, आज जो कुछ भी मैंने अचीव किया है, जो कुछ भी हूँ, और मैं आज ये मंच पे आपके साथ हूँ, ये मुझे ऐसा एक पर्सन जो बनाया है वो इसी एक्सपीरियंस ने बनाया है। और एक ही एक बोलते हैं ना, एक ही चीज़ है जो मैं चेंज करना चाहूँगी, जो आज मैं इतना सब कुछ अचीव कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स में मेरे मदर है, मेरा पूरा फैमिली है, बट जो एक नहीं है वो मेरे डैड नहीं है। आज वो कहीं ना कहीं ऊपर से ब्लेस कर रहे हैं तो ही मैं यहाँ तक हूँ, पर मैं चाहती थी कि वो मेरे सामने बैठे और वो ऐसा बोले कि यस यू डिड इट, बस ये एक चीज़ है कि मैं चाहती थी वो देखे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप मिस कर रहे हो अपने पापा को, मुझे लग रहा है, और मुझे भी आपकी बात सुन के ऐसा लगा है कि जब इतना अचीवमेंट करते हो और साथ में अपने डैड नहीं होते हो, और हमेशा कहा जाता है कि पापा की जो मतलब अपनी गुजराती में बोलते हैं कि पप्पा नी लाड़की दिकरी, लाड़की એવું આપણે કહી શકીએ, તો એવી રીતે દીકરી ખૂબ જ પપ્પાને પ્રિય હોય છે, લાડકી હોય છે, અને જ્યારે આટલું બધું જ્યારે એને કર્યું હોય અને ત્યારે સામે નથી હોતા, ત્યારે એમની ખૂબ આપણને યાદ આવતી હોય છે. તો એવી જ રીતે પ્રિયાંકીને પણ આજે કંઈક
મિસ થયું છે અને આજે એનો સૌથી પહેલો ઇન્ટરવ્યૂ કદાચ હું જ લઈ રહી છું. આવી રીતે એને ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરવ્યૂ આપી રહી છે, આપણે એના મોઢાથી સાંભળશું. પણ લાસ્ટ પ્રિયાંકી, આપણે દર્શકોને શું સંદેશો આપશે તું કે લાઈફમાં સ્ટ્રગલ કરવી જોઈએ કે ઇઝી તમને વર્ક કરવું જોઈએ કે શું કરવું છે? અને ખાસ કરીને આજનું જે યંગસ્ટર્સ છે, યંગ જનરેશન છે, જે કંઈ ને કંઈ કેરિયરમાં કંઈ ને કંઈ બનવા માંગે છે પણ એ ક્યાંક ને ક્યાંક એમને કોઈ ને કોઈ કમી હોય છે, તો એ લોકોને આપણે શું સંદેશો આપીશું? જી બિલકુલ, સંદેશો તો છે. જીતને ભી વ્યૂવર્સ હૈ, જહાં પે ભી હૈ, જો ભી કુછ કર રહે હૈ, જો ભી પ્રોફેશન મેં હૈ, મેરી પરવરિશ એસી હુઈ હૈ કે મેરે પેરેન્ટ્સ ને બહોત ઝ્યાદા સ્ટ્રગલ દેખી ભી હૈ, વો સ્ટ્રગલ કો ઓવરકમ ભી કિયા હૈ. હર એક કી લાઈફ મે સ્ટ્રગલ હોતા હૈ, કોઈ મુઝે એસે બોલે કે મેરી લાઈફ મે બિલકુલ સ્ટ્રગલ નહીં હૈ તો ઇટ્સ નોટ ટ્રુ. સબકી લાઈફ મે કભી કુછ ઝ્યાદા હોતા હૈ, કભી કુછ કમ હોતા હૈ, બટ આપ ઉસકો કૈસે ફેસ કરતે હો. મેરે ડેડ, મોમ ડેડ ને મુઝે હમેશા વૈસી હી ટ્રેનિંગ દી હૈ કે હમેશા કોઈ ભી ચીઝ હો ઉસકો એક્સેપ્ટ કરો, ઉસકો ફેસ કરો, ઉસકો ઓવરકમ કરો. તો આપ જહાં કહીં ભી હો, જો ભી પ્રોફેશન મે હો, જો ભી આપકા લાઈફ કા ફોકસ હૈ, નેવર ગિવ અપ ઓન યોર ડ્રીમ્સ. કભી ભી અપના જો ડ્રીમ હૈ ઉસકો ગિવ અપ મત કરો. અગર આપ અપની લાઈફ મે અપને આપ પે ભરોસા હૈ ઓર હાર્ડવર્ક કરને કે લિયે રેડી હો, હાર્ડવર્ક ભી રાઈટ ડિરેક્શન મે. જબ એક પંછી ઉડતા હૈ ખુલે આસમાન મે, ઉસકે લિયે ફ્રી હૈ પૂરા સ્કાય ઉડને કો, ઠીક હૈ, બટ અગર ઉસકા ડિરેક્શન રાઈટ નહીં હૈ તો કોઈ ભી મંઝિલ પે વો પહોંચ નહીં સકતા હૈ. બસ યહી ચીઝ હૈ, આપકો આપકી મંઝિલ પતા હો, ગોલ પતા હો, આપ બસ મહેનત કરતે રહીએ, ફલ અપને આપ હી મિલેગા. એન્ડ ટ્રસ્ટ યોર સેલ્ફ, લવ યોર ફેમિલી, ફેમિલી બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ, પેરેન્ટ્સ કે બ્લેસિંગ્સ બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ, ટ્રસ્ટ મી ઓન ધીસ. અગર આપ કહીં પે અટક જાઓ તો યે બ્લેસિંગ્સ બહોત બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ, વો હમેશા આપકો સપોર્ટ કરેંગે આગે બઢને કે લિયે. બટ આપકા હાર્ડવર્ક વો કન્ટિન્યુ રખીએ. ઓર બિલકુલ, લડકી હો, લડકા હો, કોઈ ભી હો ક્રાઇટેરિયા, બટ મેઇન ચીઝ યહી હૈ કે અપને સપનો કો મત છોડીએ, અપને ડ્રીમ્સ કો જીએ. આપ કર સકતે હો, હમ સબ કર સકતે, સબ મે પોટેન્શિયલ હૈ. સો દેટ્સ ઇટ મેરે સાઇડ સે, યે મેસેજ હૈ સબકો, જસ્ટ લિવ ઇટ. બહોત હી અચ્છી બાત હૈ. ઓર આપને જો યહાં સુરત મે ભી ટ્રેનિંગ લી, આપને બતાયા કે બહેનાઝ જી સે ટ્રેનિંગ લી હૈ, તો બહેનાઝ જી આપકો ભી મેં કહેના ચાહુંગી, બહોત હી અચ્છી આપને ટ્રેનિંગ દી હૈ, તબ ભી પ્રિયાંકી આજ યહાં તક પહોંચી હૈ. ઓર આજ ઓર ટેરેન્સ સર કો ભી મેં બોલના ચાહુંગી, ટેરેન્સ સર આપને ભી બહોત અચ્છી તાલીમ દી હૈ ઓર પ્રિયાંકી આજ યહાં તક પહોંચી હૈ, તો આપ દોનો કે બ્લેઝિંગ્સ બહોત હૈ, ઉસકો તભી વો આગે આઈ હૈ. ઓર પ્રિયાંકી, લાસ્ટ ભી મેરા ક્વેશ્ચન્સ યે રહેગા કે આજ કા યે ઇન્ટરવ્યૂ કા એક્સપિરિયન્સ આપકા કૈસા રહા, અભી બતાએંગે તો ભી પતા ચલેગા ના? જી બિલકુલ, બહોત જબરદસ્ત રહા, ક્યુંકિ જીતના ભી અભી જીતને ભી બેક ટુ બેક અચીવ હુઆ હૈ વો 2019 મેં હુઆ હૈ, ઓર ઉસકે બાદ સડનલી કોરોના કા આના ઓર કોવિડ કા જો એટમોસફીયર થા, જો એક સ્ટ્રેસફુલ એટમોસફીયર થા, તો કહીં પે યે ચીઝ હમ રિપ્રેઝેન્ટ નહીં કર પાતે. ઓર યે મુઝે એક અચ્છા મંચ મિલા હૈ, આપને મુઝે બહોત અચ્છા ઇન્વાઇટ કરકે યે ચીઝ કો અપ્રિશિએટ કિયા હૈ, તો મુઝે બહોત હી અચ્છા લગા અપ્રિશિએટ હોના ભી, ઓર યહાં સે અપ્રિશિએશન મિલના, આપકે સાથ કન્વર્ઝેશન કરના ઓર દર્શકો કે સાથ જુડના, બહોત હી અચ્છા મંચ હૈ. ઓર ડેફિનેટલી ટ્રેનિંગ્સ બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ, ઓર આપ સીખતે રહો, વો બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ, લર્નિંગ કભી ભી સ્ટોપ નહીં હોતા હૈ, ઓર ઇન્સાન કો સીખતે રહેના ચાહીએ. બહોત હી અચ્છી બાત હૈ. ઓર જૈસે પ્રિયાંકી ને આજ કુછ અચીવ કિયા હૈ, ઓર હમારે યહાં આજ મેં ઉસકા ઇન્ટરવ્યૂ લે રહી હું, એસે બહોત સારે એસે કલાકાર, મતલબ એસે લોગ યહાં સે આકે ગયે હૈ કે જિનકો હમ પ્રોત્સાહિત કરતે હૈ હમારી ચેનલ કે દ્વારા. યહી એક હૈ કે ભાઈ જો ભી હમારે સુરત કા હો યા ગુજરાત કા હો યા ચાહે કિસી ભી વર્લ્ડ કા હો, કહીં કા ભી હો, લેકિન અગર ઉસને કુછ અચીવ કિયા હૈ તો હમારા ફર્જ બનતા હૈ કે હમ લોગો તક પહોંચાએ, તો યે હમારા કામ હૈ. ઓર પ્રિયાંકી, બસ એસે હી હમ મિલતે રહેંગે ઓર દૂસરે કાર્યક્રમો કે સાથ આપકે સાથ મેં વાપસ આઉંગી, તબ તક કે લિયે નમસ્કાર. લેકિન આપ હમારે સાથ જુડે રહીએગા, ફેસબુક પેજ લાઈક કીજીએ, યુટ્યુબ ચેનલ કો સબસ્ક્રાઇબ કીજીએગા, સાથ મેં બેલ આઇકોન કો ક્લિક કીજીએ, તાકી હમારે હર કાર્યક્રમ આપકો મિલતે રહે ઓર આપ હમારે સાથ જુડે રહે. તો મિલતે હૈ ફિર, તબ તક કે લિયે નમસ્કાર. શિવ અશોક શિવ નંદન એન્ડ તુષાર મેકાલ જી.
Savarkar, Sarmishka Chakravarti, Sheila Asoka, Shivananda M, and Sushami Gandhi, who stepped forward.